असल रियर लर्नर्स एंड ऑन ट्रिपन्योज एंड इस एक वीडियो के अंदर आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मार्केटिंग टर्म्स से फिमिलराइज़ करवाना है एंड दैट इज़ गोरीला मार्केटिंग आपसे हमने मार्केटिंग की डेफिनेशन शेयर की है हमने आपको बताया कि आजकल बर्ज मार्केटिंग किस तरह से एक्जीक्यूट uh, की जाती है बर्ज मार्केटिंग होती क्या है और बर्ज मार्केटिंग कब कब इस्तेमाल की जा सकती है गोरीला मार्केटिंग इज़ ऑल्सो वेरी मच एम गोरीला मार्केटिंग बेसिकली है क्या स्ट्रेटजी दैट फोकस ऑन लो कॉस्ट अनकनवेंशनल मार्केटिंग टैक्टिक्स दैट यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट आपने देखा होगा ऑनलाइन डाके अगर आप लिखें गोरीला मार्केटिंग तो आप इसकी इमेज डा के चेक कीजिए ऑल ऑफ़ अ सडन आप देखेंगे कि एक बेंच है जो किसी चॉकलेट की आ, शेप में बना हुआ है इट्स वेरी अनकनवेंशनल आप देखेंगे कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं और रोड क्रॉस करते हुए रोड के ऊपर किसी एक ब्रांड का कोई एक सिग्नेचर बना हुआ है या कोई और ऐसी मार्केट प्लेस के अंदर आप इतनी अनकन्वेंशनल डिज़ाइन देखते हैं या इतना अनकन्वेंशनल कोई इवेंट देखते हैं कि आप फिल फॉर आपकी अटेंशन उसकी तरफ ग्रैब हो जाती है और आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं आप उस चीज़ को इंजॉय करते हैं दैट इज़ बेसिकली गोरीला मार्केटिंग दो ही इसके मेन फीचर हैं नंबर वन लो कॉस्ट एंड नंबर टू मैक्सिमम एक कस्टमर इंगेजमेंट ले आती है गोरीला मार्केटिंग की टर्म बेसिकली लेवेंसन ने अपनी किताब में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी 1984 किताब का नाम था गोरीला मार्केटिंग और बेसिकली गोरीला मार्केटिंग में वो गोरीला वॉरफेयर से जिसे कहते हैं ना इंस्पायर होके उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया गोरीला मार्केटिंग जो वारफेयर है उसके अंदर मुख्तफ टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं दुश्मन को सरप्राइज करने के लिए जिस तरह एम्बुश या सबराश या रेज या सरप्राइज ये तमाम चीज़ें क्या हैं कि ऑल ऑफ अ सडन आपने अपने जिसे कहते हैं ना दुश्मन को सरप्राइज करना है सो so बेसिकली इसका पर्पज़ यही होता है कि आप कस्टमर को सरप्राइज कर दें और इतना सरप्राइज कर दें कि कस्टमर उस एक्सपीरियंस को एन्जॉय करें कमिंग बैक टू द पॉइंट कि गोरीला मार्केटिंग आप कब कब इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान में अभी तक तो गोरीला मार्केटिंग का इस्तेमाल बहुत कम देखने में आया है बाहर इस तरह की अनकन्वेंशनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है गुरल मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है आप कस्टमर्स को इंगेज कर लेते हैं कस्टमर आपकी स्थेटिक सेंस को इन्जॉय करता है या इंगेज हो जाता है आप किसी जगह पे गए हैं और आप वहाँ पे शॉपिंग करें और ऑल अप सडन वहाँ पे कुछ लोग आ गए हैं और उन्होंने आने के बाद वहाँ पे एक इवेंट क्रिएट कर दिया आपने एक वीडियो देखी होगी जो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी एक एयरलाइन की कि जिसमें लोग लाइनों में लगे हुए हैं और अपना जो सामान है वो इमिग्रेशन प्रोसेस में गुजारे हैं और ऑल ऑफ़ अ सडन एक एयरलाइन का क्रू आता है और वो डांस करना शुरू कर देता है और उसके बाद पूरा का पूरा एयरपोर्ट उसको इंजॉय करता है दिस इज़ गला मार्केटिंग लाइक वाइज ऑल ऑफ अ सडन आप देखते हैं कि जिस तरह दिसंबर आने वाला है तो जितनी भी यूरोपियन मार्किट्स हैं उसमें डिस्काउंट्स लगते हैं और पता चलता है कि एकदम किसी ब्रांड का सेंटर क्लॉज आता है और वो आने के बाद बच्चों को कोई गिफ्ट बांटना शुरू कर देता है और सारे कस्टमर उस एक्टिविटी में इंगेज हो जाते हैं सो दिस इज़ बेसिकली लो कॉस्ट और कस्टमर इंगेजिंग ज़्यादा होता है गोरीला मार्केटिंग बेसिकली तो स्टार्टअप्स के लिए थी लेकिन गोरीला मार्केटिंग को लार्ज फर्म्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं आप अगेन uh, इनका डिस्प्ले देखेंगे पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कभी फ्रेंच फ्राइज बने होंगे uh, जिसे कहते हैं रोड क्रॉस करते हुए Uh, कभी मेल्टिंग आइसक्रीम हो गई uh, एक कंपनी जो कि uh, जिसे कहते हैं ब्रेक फ्री ग्लास बनाती है उन्होंने ब्रेक फ्री ग्लास का एक पूरा का पूरा पैनल खड़ा करके उसके अंदर लाखों डॉलर्स रखे हुए हैं और कस्टमर से कहा हुआ है कि हर कोई आते जाता है अगर इसको ब्रेक कर सकता है तो ये सारे डॉलर्स आपके हैं तो सभी कस्टमर उस ग्लास को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं तो दिस इज़ कॉल्ड गोरिल्ला मार्केटिंग आपने एक वहाँ पर अपना पैनल लगा दिया हुआ है और हर कस्टमर आपके प्रोडक्ट के साथ एंगेज हो गया है गोरीला मार्केटिंग की मुखलिफ टाइप्स हैं जो आप अडोप्ट कर सकते हैं मिसाल के तौर पर आउटडोर गोरीला मार्केटिंग जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल्स दी ये ग्लास जो ब्रेक फ्री ग्लास है इसकी लाइक वाइज एयरपोर्ट के ऊपर जो एयरलाइन आके अपना जो डिमॉन्सट्रेशन देती है उसकी ये तमाम की तमाम आउटडोर गोरीला मार्केटिंग है इनडोर गोरीला मार्केटिंग भी हो सकती है आप किसी शॉपिंग मॉल के अंदर चले जाएँ अगर अगर आपकी कोई आउटलेट है उस आउटलेट के अंदर आप ये सारी अनकन्वेंशनल uh, टेक्निक्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इवेंट बुश गोरीला मार्केटिंग है आप इवेंट uh, अपना कर सकते हैं अब तो रोड शोज़ बहुत होना शुरू हो गए हैं हम गाड़ी चला के जा रहे होते हैं और अचानक रोड साइड पर एक गाड़ी आ रुकती है और वहाँ से म्यूज़िक भी ऑन हो जाता है और फ्री में कभी चाय या कभी कुरानदाज़ी या कभी एकदम इस तरह का शो हो जाता है और सभी लोग आ जाते हैं उस इवेंट को इन्जॉय करने के लिए और एक है एक्सपीरियंशल गोरेला मार्केटिंग जिसमें आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि आपके पास वो थ्री डी ग्लासेस पहना के आपको अपनी प्रोडक्ट एक्सपीरियंस करवाई जाती है और आप उसको एंजॉय भी कर रहे हैं सो so, ये गोरीला मार्केटिंग बेसिकली आप इस आपसे आप इस टर्म को शेयर करने का पर्पस ये है कि आप देख सकिए कि अगर आप स्टार्टअप हैं या बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में इसकी डिमॉन्सट्रेशन अभी कम है कि आप गोरीला मार्केटिंग को ज़्यादा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस की सेल्स बढ़ाने के लिए थिंक अबाउट इट सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो